हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? राधे राधे। आज मैं आपको कानपुर का बहुत ही प्राचीन मंदिर पनकी बाबा के मंदिर का दर्शन कराऊंगी। मैं और मम्मी और मेरे हस्बैंड और भतीजी आई थी, वो चारों लोग गए थे। शाम क्या, रात ही हो गई थी। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद फूल माला ली, और ये स्टाइल मार रही हैं और यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद माला ली और सब लोग खड़े हैं, और मैं वीडियो बना रही थी तो मेरी पिक आपको नहीं दिख पाई होगी, अब दिख रही है। हेलो, कैसे सब हेलो कर रहे हैं आप लोगों को। और ये यहाँ पर दुकानें सजी रहती हैं और मेरे को बहुत बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं आती हूँ यहाँ, घंटों खड़े होकर सब चीज़ें देखती हूँ, लेती हूँ, माला और चुन्नी, सिंदूर, धागे। मेरे को ये सब चीज़ें, छोटी दुकानें जो इस तरह की होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे ये, और यहाँ काफ़ी कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी अच्छी मिल जाती है ना, जैसे यहाँ पर की रिंग बहुत अच्छे अच्छे हमने खरीदे। और जैसे आप ये सब देख सकते हो, ये हनुमान जी का, बालाजी का, और ये मतलब ये जो बच्चों वाले भी वैसे भी, और फिर ये मंदिर है अंदर का, और यहाँ से शुरू होता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है पनकी बाबा का, और ये पनकी में है। और यहाँ हनुमान जी का जो है बाल रूप है, और यहाँ से आप लोग चलो, बहुत बड़ा मंदिर है, प्रांगण है। और ये हनुमान जी का पहले अंदर की तरफ घुसते ही, और फिर आप देख सकते हो ये मंदिर, और यहाँ पर वर्जित है खैर बाबा जी का मंदिर है। और फिर यहाँ से हम लोग निकले। अब निकले तो इनको, मेरी भतीजी को कुछ बाहर का खाना था, तो फिर भाई हम लोग रेस्टोरेंट गए और वहाँ पर गए हम लोग फिर, और वहाँ हम लोगों ने कुछ खाया पिया है, तो वहाँ का भी आपको दिखाते हैं। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और ये आप देख सकते हो, इन्होंने ऑर्डर किया है मंचूरियन का और चाउमीन, शायद नूडल्स, हाँ नूडल्स का, और ये खा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने भी खाया, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन ज़्यादा रहता है तो मेरे को पसंद नहीं आया। और मम्मी ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, और घर में क्योंकि खाना बना के रखे गए थे तो मम्मी ने नहीं खाया, मैंने खाया था। और उसके बाद इनका ज़्यादा मन था भतीजी का, तो इन्होंने तो खाया इनको, इन बच्चों को तो खैर बाहर का ज़्यादा पसंद भी आता है, और मेरे हस्बैंड को भी बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे को घर का ज़्यादा पसंद है। और मैंने भी देखो ये ले रही हूँ, और उसके बाद इसमें मंचूरियन डालूँगी। और बाहर का खाना तो ऑयली हो ही जाता है। और उसके बाद और हाँ, आपसे ये कहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आलोक जेटली के नाम से है। और मैं इसमें शनिवार को 3 बजे लाइव आती हूँ, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और आलोक जो मेरा सेकंड चैनल है सीमा जेटली का, उसमें मैं सोमवार को लाइव आती हूँ, तो उसको भी बिल्कुल देखना ना भूलें। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट्री भी खाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जब बाहर का खा रहे हैं तो खा ही लो, क्या फ़र्क पड़ता है? वेट बढ़ेगा तो फिर कम करना, वेट बढ़ाना तो बहुत आसान है, फिर कम करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जब सब खाते हैं तो फिर मन कराता है, फिर मैंने भी ये देखो जम के खा रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करा जरूर बताइएगा।